क्या आपको पता है से हजारों साल पहले राजा महाराजाओं की पोशाक कपड़ों से नहीं बल्कि लकड़ी से बना करती थी, जिसको बनने में ही महीनों लग जाते थे। कारीगर एक एक लकड़ी के टुकड़ों को अपने हाथों से तराशता था, फिर रंगों में डुबोकर बनता था एक कपड़ा। तो चलिए देखते हैं इस कमाल की और अद्भुत सी कला को। थोड़ा सा बताइए इस काम के बारे में, आखिर है क्या ये? ब्लॉक प्रिंटिंग का काम है। ब्लॉक प्रिंटिंग का साड़ी सूट पे छपाई होती है इसके। तो ये जैसे अभी ये सपाट लकड़ी है, ये एक तरीके से आपका रॉ मटेरियल है। चलिए सबसे पहला स्टेप इस लकड़ी पे डिजाइन बनाने का क्या होता है? पहले इस पे इसको ये लगाते हैं। ये क्या चीज है? ये टिटानियम बोलते हैं इसको, व्हाइट में सफेद करने का। इसकी वजह इसे डिजाइन दिखती है इसके ऊपर ड्राइंग करने पे। अच्छा अच्छा। सुखाने के लिए रख देते हैं। सूखने के बाद फिर ये ऐसा हो जाता है। उठा लीजिए इस तरीके से, फिर इसको हम लोग इसके ऊपर ये डिजाइन है हाँ ये लगा देते हैं। कागज पे ये डिजाइन बनाते हैं, ये अपने दिमाग से सोच के आप जो क्या डिजाइन बनाना है उस हिसाब से आप बना देते हैं। हाँ बना देते हैं। ये सारा काम आप पूरा आप ही करते हैं? हाँ हम ही लोग करते हैं। चलिए कागज पे आपने पहले ये डिजाइन बना लिया, उसके बाद लकड़ी पे कैसे अभी ये उतारा जाए? अभी ये लकड़ी पे इसको उतार देते हैं, कट करना पड़ता है लकड़ी के बीचों बीच बराबर में। फिर हम लोग इस तरीके से ये इसको लकड़ी पे उतार रहे हैं नीचे। अच्छा, जहाँ जहाँ ये डिजाइन है वहाँ वहाँ आपकी टूल चलती रहेगी ताकि वो डिजाइन नीचे छप सके। ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये आ गया है। ओके इस तरीके से फिर ये नीचे दिखने लगेगा। अच्छा, ये होते होते डिजाइन पूरा इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे येलो कलर आ रहा है, ये कैसे आया इस पे? ये जैसे ये कोई जाड़ी रेक बनती है, हाँ। कोई पतली बनती है तो जाड़ी होती है ना, उस पर हम लोग कलर भर देते हैं। ये जाड़ा इतना ही जाड़ा बनेगा, ये रंग है। ओके, तो ओके। ये रहेगा, बाद बाकी ये वाइट वाइट सब निकल जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अब ये लोग करेंगे। जैसे ये डिजाइन आ गया। अच्छा, सबसे पहले ये बाहरी हिस्से को आप तराशते हैं। ओके, ये निशान लगा रहे हो उसी पे चलते हैं। और ये ऐसे ही इस तरीके से इधर भी काम चल रहा है। ये देखिएगा, ये भी एक डिजाइन है, लकड़ी के ऊपर छप के आ गया। और ये तराशते तराशते ये चीजें आप ये अंदर और ये बाहर निकाल रहे हो ना? हाँ, निकालेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं अलग अलग अपना डिजाइन बनाते। पहले ये पूरा प्लेन था, बाहर निकाल के ये उन्होंने तराश के ये डिजाइन इसमें बना दिया। इसी तरीके से फिनिशिंग होते होते अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग रूप है। जैसे ये काम चल रहा है, सब लोग अपना अलग अलग काम करते हैं। और इधर की तरफ हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं। अच्छा अंकल, ये लकड़ी के साथ साथ पीतल में भी बनने लगे? हाँ, ये पीतल में भी बनते हैं डिजाइन। ये किस तरीके से होता है? पीतल आती है, ये काट के हम लोग इसमें लगाते हैं। अच्छा, ये पत्ती है पीतल की? हाँ, पीतल की पत्ती। जैसा आपको डिजाइन चाहिए, गोल चाहिए, इसको घुमाते हो? घुमा के और इसको सेट कर देते हो? सेट कर देता हूँ। ओके, तो ये ऐसे डिजाइन बन जाते हैं। जैसे ये रखा हुआ है, देखो रखा हुआ है, ये पीतल का है, ये पीतल का है। तो ये फूल पत्ती सब आपने बनाई है इसी पत्ती से? हाँ, इसी पत्ती से बनाता हूँ, मोड़ मोड़ के डिजाइन बना के। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। लकड़ी का ब्लॉक बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पे काम शुरू होता है प्रिंटिंग का, जिसको ब्लॉक प्रिंटिंग बोला जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने अलग अलग रंग ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ये अपनी इस ट्रे के अंदर इसको ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाई साहब अपना जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस ब्लॉक को इस रंग में डुबोते हैं, फिर इस पे ये छाप देते हैं और एक डिजाइन खुद के यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ये भाई साहब यहाँ पर ये प्रिंटिंग कर रहे हैं, ये पहली कोटिंग कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर अगला डिजाइन ये भाई साहब बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कितना ये बारीक काम है। ऑलरेडी एक फूल पत्ती बनी हुई है, एक ये अपनी ब्लॉक को डुबोते हैं अब एक रंग में, वहां से उठाते हैं और इसके ऊपर ये छापते हैं। और ये सुनिश्चित ये इनको करना होता है कि जहां इनको डिजाइन देना है वहीं पर ये छप जाए। दो बार कोटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी दो बार छापा लग के ये ऐसा दिखता है। और यहां पे काम शुरू होता है तीसरी प्रिंटिंग का, यानी तीसरे कलर का, जो कि है ग्रीन कलर। पहले थोड़ा सा मरून रेड कलर लिया था, फिर ब्लू सा, और अब लिया है इन्होंने ये ग्रीन कलर। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही हरा रंग यानी तीसरी ब्लॉक को इस पे ये प्रिंट करते हैं, ऑटोमेटिक ये डिजाइन बनकर आ जाता है, जो कि बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये कितना खूबसूरत है, पूरा हैंडीक्राफ्ट हाथों से ये काम हो रहा है। और जैसे इस साइड में भी आप देख सकते हैं, एक बार ये कोटिंग हो चुकी है, यानी कि एक बार प्रिंट कर दिया है। अब इसके ऊपर इसी तरीके से दूसरा प्रिंट यहां पर ये कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और यहां आप देख सकते हैं ये इनकी पूरा फाइनल प्रोडक्ट है। ये पूरा फाइनल है, इसके बाद भी और कुछ काम होना बाकी है इसमें? ये धुलाई उलाई होती है या बस फाइनल है? ये बहुत बढ़िया, ये देखिएगा फाइनल है। ये डिजाइन किस तरीके से इन्होंने कपड़े के ऊपर अपना छाप दिया है खूबसूरत सा, और इसका अब ये सूट बन जाएगा। शिवरतन भाई, और क्या क्या आप बना सकते हैं लकड़ी की मूर्ति, मतलब लकड़ी से? लकड़ी से मूर्ति है, गणेश जी की है, राम जी की है, हनुमान जी की है, सबकी बना दूंगा। ऐसा क्या? चलिए, तो किस तरीके से लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी दीजिए। ये है इनका नंबर, शिवरतन इनका नाम है भाई साहब का, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। एड्रेस क्या है ये? ईशनपुर नारोल जी, ये जगह है, ये नंबर है, इनका कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको कोई मूर्ति या इस तरह का काम करवाना है, इनसे आप संपर्क करके करवा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।